यहाँ पर बैठे हैं। मैं सुजीत कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों क्यों नहीं बना रहे तो दोस्तों बात ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया था और आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगा वो भी ब्लॉग वीडियो। ठीक है, मेरे चैनल पे कॉमेडी वीडियो आता ही है, अब ब्लॉग भी आएगा और कंटिन्यू। मैं जा रहा हूँ आई थिंक कलकत्ता, और कलकत्ता को वहाँ पे चल के एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जो भी सामान जा रहा है मेरे मतलब मेरे ट्रेवलिंग में जो सामान जा रहा है तो ये है प्रोक्रस 2.0 और इसका एक्सेसरीज देख सकते हैं, और एक है ये ट्रिपॉड और ये गोरिल्ला ट्रिपॉड। मेरे पास एक नार्जो फ़ोन है जो कि ये है, और ये 5G है। ठीक है, देख सकते हैं नार्जो 5G, और ये मेरा फ़ोन है जो इसका हालत देख सकते हैं ये कैसे टूटा है। ठीक है, अभी तक इसी मोबाइल से मतलब वीडियो हो रहा था और कंटिन्यू इसी से होगा। एक बोया का माइक है और एक और है जो मैंने बैग में रखा है, और ये है फैंटन का ट्रिपॉड। ठीक है, फाइनली दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और मेरा बैग भी तैयार हो गया, और ये मेरा रूम है। ये गाड़ी है 3:30 करीब वहाँ से कलकत्ता, तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। सिवान स्टेशन, अब यहाँ हम पहुँचे हैं करीब 2 बजे, और आधा घंटा बैठे थे, बात किए थे अपने दोस्त से, और अभी टाइम 1 घंटा करीब बचा ट्रेन के लिए, तो चलते हैं कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद चलते हैं स्टेशन में, देखते हैं कि कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी ट्रेन, तो वहीं पे चल के इंतज़ार करेंगे ट्रेन का। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और जो कि बाग एक्सप्रेस है मेरे ट्रेन का नाम, जो कि मुझे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिलेगी, और बोगी नंबर 4 में है 2 नंबर सीट। होने लगी बारिश, तो दोस्तों पहुंच गए हैं अपने बोगी में, और मेरा सीट यहाँ पीछे है, और बोल चुके हैं सिवान स्टेशन से यहाँ पे करीब 3:35 से खुला, देखते हैं कितना देर में कलकत्ता पहुँचा। दोस्तों और वीडियो यहाँ बनाने का मकसद ये है कि मेरा जो सीट है ना वहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक है, तो लाइट की वजह से यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लाइट जैसे आता है तो वहाँ से वीडियो शूट करेंगे। तो यही चलते हैं और देखते हैं कि कलकत्ता क्या है घूमने लायक, आप सभी को बता रहे कि कलकत्ता में क्या है, कैसे आए, क्यों आए।
सारे बातें तीन लग के से और अभी बज रहा है 12 करीब 21 घंटे के बाद अभी हम सेकेंड लास्ट स्टेशन पर पहुँच गए हैं। अभी हावड़ा के एक स्टेशन पर आ गए हैं। तो 21 घंटों लगा इस बाग एक्सप्रेस से। ये है हावड़ा ब्रिज जो कि हुगली नदी के तट पे। दोस्तों वो जो सामने दिख रहा है वो भी हावड़ा ब्रिज की तरह ही है, जिसमें पाया नहीं है, लेकिन वो मॉडर्न साइंस से बना है, आधुनिक तकनीक इसमें यूज किया गया। और ये जो सामने दिख रहा है ये सब हावड़ा स्टेशन। सिवान से हावड़ा तक आने में मैं 522 रुपये का टिकट लिया था और रास्ते में घर से मतलब सिवान तक आने में मुझे 150 रुपये लगा था और वहां से यहां तक आने में करीब 200 रुपये लगा था। तो 500, 200, 500, 300, 800 और 900 मतलब मुझे कलकत्ता तक पहुंचने में 900 रुपये लगा। और रहा बात तो ट्रेन का, तो अगर जो भी भाई आ रहे हैं, अगर सिवान से आ रहे हैं हावड़ा के लिए, तो उनको मैं बोलूँगा कि आप बाग एक्सप्रेस से ना ही आए, पूर्वांचल या फिर और कोई ट्रेन देख लें, क्योंकि बहुत लेट चलते हैं। 732 किलोमीटर था सिवान से आपका हावड़ा, लेकिन उतना ही दूरी मुझे 24 घंटा लग गया, लगभग 22-23 घंटा लग गया था मुझे हावड़ा पहुँचने में। तो यही है, अगर आप लोग सिवान से अगर प्लान कर रहे हैं कोलकाता के लिए, तो आप लोग बाग एक्सप्रेस को मतलब छोड़ सकते हैं और दूसरे ट्रेन को आप लोग देख सकते हैं। और कोई नहीं, बस इतना ही था। और मतलब गाड़ी आप सोच सकते हैं कि मतलब 23 घंटा 22 घंटा लगा तो कैसा चल रहा होगा, और बाकी सब ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।